हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक डिफरेंट लैंग्वेज HTML की, और कुछ चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है। आपको मैं बता दूं, आप देखी होगी न्यूज़ साइट के अंदर, बहुत सारे साइट के अंदर ऐसी होती है, न्यूज़ साइट के अंदर ऊपर आपने मार्क की होगी कुछ टेक्स्ट, मतलब लेफ़्ट से राइट जाता होगा, राइट से लेफ़्ट जाता होगा, इस तरह से कुछ टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, इस तरह हम लोग आज कुछ बनाने वाले हैं। ओके, मैं दो यहाँ पे फाइल्स बना चुकी हूँ, CSS और HTML दो फाइल बना चुकी हूँ, उसके अंदर हम लोग फटाफट बेसिक सा जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, HTML उसके बाद हेड, टाइटल, मार्कअप टेक्स्ट QUEE। ओके, मार्कअप टेक्स्ट और आते हैं अभी बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी में हम लोग सब कुछ काम करेंगे, और उससे पहले यहाँ पे लिंक करते हैं हमारी CSS फाइल को, जो कि markup.css करके जो फाइल है उसे हम लोगों ने लिंक करी है। यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, मैंने सेव किया फाइल को, और उसकी आउटपुट तो आप लोग को पता है कुछ भी नहीं आएगी। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, उसकी बॉडी के अंदर लिखते चले जाएंगे, हम लोग टेक्स्ट एड करेंगे। ओके, उसके लिए हम लोग अभी यूज़ करेंगे एक नई चीज़ यूज करेंगे, जो कि है QUEE। ओके, बिहेवियर हम लोग अभी दे देते हैं क्या, स्क्रॉल SCROLL स्क्रॉल, और डिरेक्शन यहाँ पे दे देते हैं लेफ्ट। ओके, हम लोगों ने ऐड किया, सेव किया मैंने। अभी हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक टेस्ट, अगर ऐड नहीं करेंगे तो क्या हम लोग को वो दिखाएगा, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट इस तरह से कुछ टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की है वही चीज़ वो राइट से लेफ्ट के अंदर जा रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है लेफ्ट के अंदर ये जाएगा, तो वो लेफ्ट के अंदर जा रहा है। ओके, उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे बिहेवियर को हटा देते हैं, ओके, सिर्फ डायरेक्शन को ऐड करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ हम लोगों ने लेफ्ट यहाँ पे डायरेक्शन दी है, तो लेफ्ट में जा रही है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, CSS फाइल के अंदर चलेंगे, वहाँ पे वो टेक्स्ट की साइज वगैरह सब चीज़ ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए मार्कअप पहले हम लोग ऐड करेंगे ब्रैकेट, और पहले हम लोग फॉन्ट साइज उसकी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज ऐड करते हैं। ओके, फॉन्ट क्या होगा, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, हम लोग अभी यूज करते हैं 30 पिक्सल ऐड करते हैं। ओके, 30 पिक्सल मैंने ऐड किया, और उसकी जो फॉन्ट विड्थ हम लोग अभी ऐड करेंगे, फॉन्ट वेट उसकी ऐड करेंगे, तो फॉन्ट वेट हम लोग अभी ऐड करेंगे कितना, मान लो 900। ओके, ऐड करते हैं, और कुछ चीज़ हम लोग अभी ऐड करेंगे, जो कि है कॉलर, उसकी कॉलर टेक्स्ट की कलर क्या रहेगा, टेक्स्ट कलर हम लोग अभी डार्क ब्लू ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने यूज़ की जो की होगी इसे यूज़ करते हैं। ओके, और उसे सेव करा मैंने, और अभी उसकी आउटपुट थोड़ा देख लेते हैं क्या होती है, उसकी आउटपुट कैसा, उसकी आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है,
बस उससे पहले देख लेते हैं, और कुछ चीज़ें अगर ऐड करना पड़े हम लोग और भी चीज़ें ऐड करने चलेंगे। ओके तो पहले उसके आउटपुट हम लोग देखेंगे। ये रही इसकी आउटपुट, ये देखो ध्यान से देखो, ये इसकी आउटपुट है। हम लोगों ने जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की है उस तरह से ही है। उसका जो बैकग्राउंड कलर है हम लोगों ने ऐड किया था, टेक्स्ट कलर, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। ओके तो इस तरह आप बना सकते हो वेरी इजीली, है ना। तो उसके बाद हम लोग अभी कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे। ओके तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, उससे कॉपी करा मैंने। ओके यहाँ पे मैं टेक्स्ट अभी ऐड कर रहा हूँ पी टेक के अंदर। ओके सेव करा मैंने यहाँ पे, और एक पी टेक मैंने यूज करा, इसे अभी यहाँ पे हटा देते हैं। ओके ये मैंने सेव करा, उसके आउटपुट देखते हैं। ये रहा उसकी आउटपुट। ओके आप कुछ भी टेस्ट लिख सकते हो। ओके ये प्रैक्टिकल करने में, प्रैक्टिकल करने के लिए आप जो भी टेक्स्ट चाहे लिख सकते हो, मगर साइट के अंदर आपको टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा, आपकी मतलब कंटेंट जो भी होगा, है ना। तो इस तरह से मैंने ऐड किया। यहाँ पे पहले हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज एक मैं ऐड करता हूँ जो कि हमारे पास होगा वेब टू डॉट जेपीजी करके एक इमेज है, हम लोगों ने ऐड करा। और पहले उसकी आउटपुट देखते हैं। ओके ये रही इसकी आउटपुट। उसके हाइट वेट भी हम लोग अभी मेंशन करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रहा है। एक ऑल्ट में आपको देना पड़ेगा जो कि है। ओके ऑल्ट में आप लोगों को ऐड करना ही करना है, आपकी मतलब गूगल को पता चलेगा कि ये वही इमेज है। ओके ये पर्टिकुलर वही इमेज है जो कि कोई भी अगर सर्च करता है तो आपकी इमेज को रिकमेंडेशन के लिए ये भेज देगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसकी हाइट और विड्थ हम लोग अभी ऐड करेंगे। ओके तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग विड्थ इज इक्वल टू विड्थ हम लोग ऐड करेंगे। क्या मान लो 150 पिक्सल, नहीं विड्थ 350 पिक्सल, और हाइट हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल हम लोग ऐड करते हैं। ओके सेव करा मैंने, और देखो ये रहा उसका आउटपुट आपके सामने। ओके अभी यहाँ पे आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम लोग CSS के थ्रू हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग इमेज की थोड़ी कस्टमाइज करते हैं। ओके तो फ्लॉट FLOAT फ्लॉट हम लोग अभी यूज़ करेंगे, क्या लेफ्ट यूज़ करेंगे। ओके हम लोग फ्लॉट यूज़ की है, और पी डॉट क्लियर। ओके हम लोगों ने इस भी यूज करते हैं। ओके और ये रहा, और एक चीज यहाँ पे इसे हटाते हैं यहाँ से, इसके बाद हम लोग इसे यूज करते हैं। ओके सॉरी पी डॉट सी एल पी डॉट क्लियर हम लोगों ने अभी ऐड की, ये आपके लिए नया है पी डॉट क्लियर। ओके मैंने यूज करा, और क्लियर क्लियर हम लोग अभी रखते हैं क्या बोथ। ओके और मैं सेव करा, अभी उसकी आउटपुट देखेंगे। ये हो गया इसकी आउटपुट। ओके अगर हम लोग उसे यहाँ पे लेना चाहते हैं
मतलब उसके नीचे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और इमेज के साइड के अंदर अगर लेना चाहे तो इस तरह से हम लोग भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट की तरफ यहाँ पे हैं, अगर आप राइट की तरफ उसे मूव कराना चाहते हो तो यहाँ पे भी इजीली राइट की तरफ उसे मूव भी करा सकते हो, है ना। ओके, ये था कुछ चीज़ें मैं आपको बताए हुआ हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपकी वेबसाइट के लिए, अगर आपकी वेबसाइट के लिए एक नया लुक ऐड करना चाहते हो, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वेरी इजीली आप ऐड कर सकते हो इस तरह की कोडिंग करके, है ना। और भी चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहो तो आप खुद ऐड करो, जो भी डाउट आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा और जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉर्ट आउट जरूर कर दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सारी की सारी वीडियोस आपकी वेबसाइट को एक बेटर लुक देने के लिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो थोड़ी डिफिकल्ट होगा और बहुत मज़ेदार भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।